miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on eSports. क्या करना है इस बारे में? आप क्या चाहती हैं? मैं आकिब को उनसे मिलवा के उसकी मजीद बेइज्जती करवाऊं? और आपको तो पता है महिका, उसके दिल में जो आएगा वो बोल देगी। बगैर मिले तो उसने उसको डाकू बना ही दिया है, मिलकर क्या करेगी? मैं सोचती हूँ आज भी अगर वो उसामा के साथ ना जाती तो क्या हो? शायद उसामा से उसकी आखिरी मुलाकात होती। क्या कह रहे हैं आप? क्या सारी जिंदगी के लिए बेटी को घर पर बिठा के रख लेते? और क्या करते? परेशान क्यों हो रही हो? बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें तो पता है मेरी आदत है। देखो बेटा, तुम्हारे अदनान अंकल तुम्हारे साथ है ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ मैं हूं ना, सही है? यार ये क्या मुसीबत मेरे गले आ गई है। अगर इसने किसी से जाकर पूछ लिया तो कोई मुझे एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने देगा। और साथ तो मुझे जान से मार देगा। बिल्कुल, लो वो आ गए। आओ भाई आओ, चश्मे मालूम सन बिले माशा। आओ जावे यार, देखो हम तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आए। ये सब क्या है? अरे भाई मिठाई है, तुम्हारी मामी ने कहा है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का होने की खुशी में तुम्हारे ससुराल और तमाम मोहल्ले में मिठाई तकसीम करनी है। शुरुआत तुम्हारे ससुराल से करेंगे। हाँ क्या बात है जावेयर, तुम खुश नहीं हो? जावेयर क्या हुआ? मामू एक प्रॉब्लम आ गई है। कैसी प्रॉब्लम? मामू मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा तुमने खुद ही तो हामी भरी थी, फिर अब इनकार की वजह क्या? अहमद भाई ने कुछ कहा है? नहीं मामू ऐसी कोई बात नहीं है, माही मुझे पसंद भी है और मामी को भी मैंने राजी कर लिया है। तो फिर क्या मसला है बेटा? मामू मैं अपना बिजनेस लाहौर शिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरा लाहौर और हैदराबाद का काम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, आपको तो पता है फैक्ट्री की क्या हालत हो गई है। मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, जब तक प्रॉपर बिजनेस लाहौर सेटल नहीं हो जाता। ताहिर साहब सामान लेंगे लेकिन मेरे पीछे में कोई सही से काम नहीं कर रहा, और मैंने बहुत मेहनत से ये बिजनेस सेटल किया है, मैं इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप अहमद साहब से बात कर लें कि माही और मेरा निकाह कर दें, तो मैं माही को अपने साथ लाहौर ले जाना चाहूँगा। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस वक्त वो लोग राजी नहीं होंगे जावेयर। तो आप बात करें ना, आपके तो पुराने दोस्त हैं, आपने खुद कहा था ना
तो अब मनाई उन्हें। अरे मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है, बोले उसे कोई रास्ता निकाले। देखो देखो इतना आसान नहीं है जवान बेटे की मौत का सदमा भुलाकर बेटी की शादी करना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है आलम साहब, मैं कौन सा दुम धड़क्के से शादी करने का कह रही हूँ, मुझे अंदाजा है उन पर क्या गुजर रही है। ठीक है अगर तुम कहती हो तो कोशिश करके देखता हूँ मैं। मामू मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप एक बार बात करके तो देखें प्लीज। ठीक है बेटा मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया फिर। आप एक बार बात करके देखें, अगर वो नहीं मानेंगे हम कुछ और सोचेंगे। जैसा कहती हो। अपना मुंह ठीक करो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या अचानक भाभी साहब कैसे फैसला कर लिया जाने का, कोई बात बुरी लगी है, कोई कमी रह गई है हमें तो बताएं। नहीं नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, दरअसल बेटी का ससुराल है, कितने दिन तो रह लिया, अब इजाजत दीजिए। आस्था बाजी कल मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि आप अली के जाने के बाद जाएंगी, तो आज अचानक कैसे? दरअसल इरादा तो यही था लेकिन वो अचानक से थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई मेरी, आप लोगों को बताया नहीं कि परेशान होंगे। भाभी आपको बताना चाहिए था, मैं अली के साथ आपको हॉस्पिटल लेके जाता। नहीं नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ, अब बस अब इजाजत दीजिए हमें, एक आध दिन और रुक जाती बाजी तो बड़ा अच्छा होता। माहीन भी चली गई है ना अपने घर, अब ये तो काम पे चले जाएंगे, बस मैं और जैनी बचे, दिल बहुत घबरा जाता है बाज़ औक़ात मेरा। अब फिक्र मत करें, डॉली को जब जी चाहे आप बुला लें, आपकी अमानत है, आपकी बेटी है। फिर ये ठीक है भाभी, आपने जो फैसला किया जो आपको बेहतर लगा, कैसे जाएंगे आप लोग, साथ आ रहेंगे? नहीं भाई तो किसी काम से बाहर गए, मैं मंगवा लेती हूँ कैब अभी। नहीं नहीं कैब की क्या जरूरत है बेटा, अली है ना ये छोड़ आएंगे, जाओ बेटा छोड़ के आऊंगा। जी बेटा जाओ, मेरा बैग भी ले आओ और वो दवाइयों का पैकेट पड़ा वो भी। जी अम्मी मैं, मेरा दिल घबराएगा तो मैं आपको फोन करूंगी, डॉली को भेज दीजिएगा। क्यों परेशान हो रही हो, मैं आपको बता नहीं सकती आसफा बाजी मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ, आपने ऐसे वक्त पे हम सबको सहारा। हौसला रखें, अल्लाह ताला को यही मंजूर था, उन्हें को कौन टाल सकता। जारा ये लो बेटा नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है मोहन जान। कमाल बात करती हो जारा, कैसे भूख नहीं है बेटा, अपना ख्याल रखना चाहिए तुम्हें, नाश्ता तो करना पड़ेगा। तुम्हें पता है जब मेरा पोता इस दुनिया में आएगा ना उसका बहुत ख्याल रखूंगी, उसे बहुत प्यार दूंगी, एक मिनट कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगी उसे मैं। अरे बेटी भी तो। हाय अल्लाह कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बातें नहीं करते होते, कोई भी कबूलियत की घड़ी होती है, एहतियात करनी चाहिए बेटा,
ऐसी हालत में 100 बलाएं औरत का पीछा कर रही होती हैं, तो ऐसी बातें निकालनी मुंह से आइंदा। औरत के लिए सबसे खूबसूरत एहसास मां बनने का है, चाहे उसकी औलाद बेटी हो या बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। माँ की ममता तो बेलौस होती है। ओहो, बस मैंने कह दिया ना बेटा, तुमने इस तरह की कोई बात नहीं सोचनी। बस ये सोचा करो कि इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा होगा, और मुझे यकीन है तुम्हारा बेटा होगा। मैं उसका नाम अतील ही रखूं। आइंदा इस किस्म की बात नहीं सोच रही तुमने। अच्छा, नाश्ता करो। शाबाश। मेरी बात सुनो डॉली। जी आंटी, कोई काम था? हाँ, वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई 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 काम नहीं। तुम जाओ अपना काम करो। अरे नहीं अदनान अंकल, कोई काम है, मैं 2 मिनट में कर दूंगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई काम नहीं है, बल्कि वो मेरा ख्याल है अली आवाज दे रहा था तुम्हें। जाओ तुम। अच्छा चले, हाँ जाओ। क्या हो गया भाई, तुम क्या कह रही थी उनसे? ये अचानक से आपको क्या हुआ है? आपको तो पूरी जिंदगी बीवी का ना कोई डर रहा है ना खौफ, ना किसी रिश्ते का आपको पास है ना लिहाज है। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो, कैसे समझाओ तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने देख नहीं लिया, अंकल कहती है वो मुझे, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही बात। ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपकी बात। शुक्र है, एक बार फिर अंदा एतबार कर लेती हूँ आप पे। लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? मेरे साथ चलना होगा आपको। कहाँ? तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है यार बहुत। कोई बात नहीं, तुम मेरी भी खा लो ना। हम फिर से बाद में रहे ना साथ कभी। क्या करें यार, हमारे बीच में ये जालिम समाज की दीवार जो खड़ी है। तो गिरा दो ना तुम इन दीवार को। अच्छा, तुम हुक्म करो, अभी गिरा देता हूँ। बस कर दो, इतनी फिल्मी बातें मत करो। इसे फिल्मी नहीं, आशिकाना मिजाज कहते हैं। तुम्हें से मजाक लग रहा है, तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से मिलना आई हूँ तुमसे। क्यों, तुम्हें किसने रोका भाई? कौन हो सकता है, माही है सिर्फ एक। घर को चेक पोस्ट बना के रखा हुआ, आते जाते हर किसी पर नजर रखती है बस। तो फिर अभी कैसे आने दिया? अब वो सजावट लेकर आई हूँ एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके। तो अब टेंशन क्या है, तुम्हारी बहन तुम उससे मिलना चाहती थी ना, अब क्या मसला है? उससे नहीं मिलना तुमसे अब, बाकी वो भाभी को बोल रही है तुमसे मिलने के लिए। चलो ठीक है, तुम्हारी भाभी से ही मिल लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है मिलने में। बताओ कब मिलना है? ऐसे कैसे, पहले भाभी को तो डिसाइड करना है, तो फिर ही होगा ना कुछ। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगे मुझसे मिलने के लिए? वो नहीं भी मानी ना तो माही को अपनी बात मनवानी आती है। तो बस ठीक है ना यार, जैसा माही कहती है तुम वैसा करो। क्यों घबरा रही हो यार? अच्छा ना, तुम्हारी भाभी मिलना चाहती हैं मुझसे, तो मिल लें, वो डिस्कस कर लेंगी चीज़ों को, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी। इस तरह मेरे और तुम्हारे रिश्ते में भी आसानी हो जाएगी, समझो बात को। ओके, तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हें कोई डाउट है? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ मेरा, तुम हुक्म करो अपनी जान दे दो। ऐसा मत कहो वाकई, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो फिर तुम्हें मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत में सवाल जवाब नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ मोहब्बत होती है। चलो आइसक्रीम खाओ, पिघल रही है, अभी तुम्हें ये भी खानी है। एक बहुत है मेरे लिए, वैसे ही पिघल रही है सारी। ये माही ने कहा था उसे? हाँ साहब, माही चाहती है कि मैं उस लड़की से मिलूं, उसे समझाऊं कि अगर वो मेरा को वाकई पसंद करता है तो अपने घर वालों को भेजे। तो वो खुद क्यों नहीं मिल लेती? बहन का मसला है, खुद सॉल्व करें, तुम्हें क्यों इन्वॉल्व कर रही है? साथ मेरा डरती है माही से, इसीलिए उसने घर में किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि माही अब तक खामोश कैसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, दोनों मुझ पर डिपेंड करी कि मैं मेरा के लिए स्टैंड लूं। ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें जाके अहमद अंकल से बात करनी चाहिए।
साथ मैंने कहा है माही से, लेकिन माही जिद करी है कि मैं पहले उस लड़की से मिलूं। पागल हो गई है क्या? तुम विद्दत में हो, तुम कैसे किसी गैरमर से मिल सकती हो? और मुझसे तो मिलने दिया नहीं था तुम्हारी सास ने, याद है कितना तमाशा किया था? भूल जाओ साथ, सब कुछ भूल जाओ, मैं भी भूल गई। जिंदगी ने इतने इम्तिहानों से गुजारा, किसी भी तूफान के आने से डर नहीं लगता। तुम कब से ऐसी बातें करने लगी हो? मैंने तो तुम्हें जैसे भी हालात हूँ उन हालात से मुकाबला करते हुए देखा है, तुम कैसे किसी के इशारों पर चलने लगी हो? हेलो दादा, हेलो 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 साद, किससे बात कर रही थी? साथ से बात कर रही थी। तो रख क्यों दिया? रखा नहीं, बुद्धि बंद हो गया है। कहाँ बताओ, इस साथ कोई काम वाम नहीं करता, मतलब हर वक्त तुमसे ही लगा रहता है फोन पर। साथ को मुझसे कुछ बात करनी थी। ओ मतलब तुम दोनों हर काम एक दूसरे से पूछ के करते हो, आपको कोई काम था? बात करनी थी तुमसे। ठीक है, मेरा आज फिर उस लड़के से मिलने गई है। मेरा नहीं बताया आपको, मुझे क्यों बताएगी? मेरी तो दोस्ती नहीं है, दोस्ती तो तुम्हारी है। आई एम श्योर तुम्हें बताया होगा उस। नहीं, मेरा ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। उसे तुम्हें नहीं बताया? नहीं, उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, वरना मैं उसे जरूर जाने से रोकती। मैं मेरा से बात करती हूँ, एक सेकंड मेरी बात सुन। क्या कर रही हो? तो मैंने कहा था तो उस लड़के से मिला, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। हम देख लो, छुपके मिल रही है वो उसे। मुझे नहीं मिलना उस लड़के से। क्यों नहीं मिलूंगी? आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं? मुझे बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं मिलना तुम्हें उस लड़के से? मुझे नहीं मिलना उससे। और अगर अब मुझे फोर्स किया ना आपने, तो मैं मामू जान को सब कुछ बता दूंगी। सब जानती हूँ मैं, इस तरह मुझे इनकार करना। आई एम श्योर ये साथ की पढ़ाई हुई पट्टियां, वरना वो मुझे कभी इनकार नहीं करती। ये तुमने ठीक नहीं किया जारा, इस खेल की शुरुआत मैंने की थी, और अब इसका इख्तिताम कब और कैसे होना वो भी मैं ही डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। इतनी आसानी से ये खेल से मैं निकलने नहीं दूंगी तुम्हें जारा। अम्मी इधर ही आ जाओ बेटा, तुम्हारे कमरे में हूं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, बड़े खुश नजर आ रहे हो, पर ये पीछे क्या छुपा रखा है? अम्मी आपकी दुआएं रंग ले आई है, आपका बेटा कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने वाला है। साथ क्यों पहेलियां भिजवा रहे हो, साफ साफ बताओ ना क्या बात है? अम्मी बात ये है कि मेरी जॉब लग गई है। सच कह रहे बेटा, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। और ये देखें, मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। पहले तो मैं अपने बेटे का मुंह मीठा करवाऊंगी। ये लो। और ये आप भी खाएं। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को ढेरों खुशियां नसीब करे, कामयाबियां दे। मैं अब रो रही हैं। बेटा ये तो खुशी के आंसू है, अपने बेटे की कामयाबी देखकर खुश हो रही हूँ मैं। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खूब मेहनत करूंगा, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दी। तय मुझे बेटा, मेरा बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत फर्मा बरदार है मेरा। क्या हो रहा है भैया मेरे बगैर? अरे मिठाई खाओ मिठाई, तुम्हारे भाई की जॉब लग गई है। वाकई? यस, ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। अरे वाह जबरदस्त भाई, कब इंटरव्यू दिया बताया ही नहीं। अगर मैं पहले बता देता
तो ये सरप्राइज कैसे देता और अपनी अम्मी के चेहरे पर ये खुशी कैसे देखता? सद के जाओ, बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे को ढेरों कामयाबियां अता करे। आमीन आमीन आमीन। खाना लगाओ। हामी जल्दी से लगा दे, फिर मैं जाऊंगा ज़ारा के घर ज़ैनी को मिठाई देने। अच्छा ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जा। हाँ जी आमीन। और हाँ ये पकड़ो, सॉरी मत खा लेना, मेरा भी हिस्सा है। चल, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? अम्मी मैं सोच रही हूँ कि भाई के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट है या वो। नहीं फसूल बातें सोचना बंद करो, चलो। मैं अपना फैसला तो सबको सुना ही चुकी हूँ, आके के बिना मैं रह नहीं सकती और उसे छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा प्लीज एक हाँ भी प्लीज, अगर आप मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती ना तो मेरे मामला में दखल देने की जरूरत भी नहीं है। मेरा यहाँ क्यों लाई हो तुम, मुझे क्यों लाई हो यहाँ? मैंने आपसे कहा था ना आप मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगे। वादा किया था, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरा हाथ पकड़कर जहाँ मर्जी चाहे वहां ले जाओ। एक बार मेरे साथ अंदर चले। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अदनान जाके देखूं तो सही, इतने प्यारे बच्चे, उनको देखकर आपको प्यार आएगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पता नहीं किस किस के बच्चे, ना उनके बाप का पता और ना माँ का पता, तुम उठाकर मुझे यहाँ ले आई हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कभी तो बात करने से पहले सोच लिया करें क्या बोल क्या रहे हैं। हो सकता है खुदा इनको दुनिया में इसीलिए लाया हो कि हम जैसों की कमियां पूरी हो सके। मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहती ताकि मेरी ममता को सुकून मिल जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बच्चा गोद लेना चाहती हूँ, तमाशा लगाने की जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ, चलो घर। मैं नहीं जाऊँ। बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ, तमाशा मत लगाओ। सर, आप किसी को ढूंढ रहे? नहीं किसी को नहीं ढूंढ रहे, तुम चल रही हो या नहीं? नहीं जाओ, चलो मेरे साथ, चलो। अल्लाह मेरी बात तो सुने। तुम मेरा फोन क्यों उठा रही? मैं पढ़ाई कर रही थी। बहुत होगी पढ़ाई। साथ मेरे एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी का असल इम्तिहान ना मेरे साथ अब शुरू होने वाला है, उस पे ध्यान दो, वो ज्यादा अहम है। मेरे लिए क्या अहम है, तुम्हें इससे क्या? तुम अब तक मुझसे नाराज हो? कोई काम था तुम्हें? काम तो था, एक बात बतानी थी, लेकिन अब छोड़ो, सुन नहीं। अच्छा रुको, बताओ क्या खुशखबरी थी? मैं नहीं बता रहा, तुम्हारे लिए ना तुम्हारी अनाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझसे। तो तुम बता रहे हो या नहीं? एक शब्द में बताऊंगा, पहले तुम मुझसे वादा करो तुम सारी नाराजगी खत्म कर दोगी। पहले न्यूज। अच्छा तो न्यूज ये है कि मोहम्मद साद सिद्दीकी की जॉब लग गई है। Really? Yes, मेरी जॉब लग गई है। Congratulations. ऐसे थोड़ी, वो मेरे साथ चल रहा होगा। कहाँ? सरप्राइज है। आप फिर भी बताओ तो कहाँ? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। अब ठीक है। क्या हुआ भाभी, मेरा कहाँ गए थे तुम? क्लास थी मेरी भाभी, झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानती तुम उस लड़की से मिलने गई थी। भाभी क्या हो गया आपको, ऐसा कुछ नहीं कर रही हो मेरा, बहुत गलत कर रही हो। किसी ऐसे लड़के से मिलना जिसके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम अपनी फैमिली को बहुत बड़ा धोखा दे रही हो और सबसे बढ़कर खुद के साथ ज्यादती कर रही हो तुम।
तो आप ही बता दे भाभी, अगर कोई रास्ता है आपके पास तो। अनजान रास्तों पर चलने से पहले उन रास्तों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। इस तरह बगैर सोचे समझे छलांग लगाओगे तो आगे खाई भी हो सकती है। तो भाभी बंदा गिर गई तो संभलता है। आपके अधीर भाई के रिश्ते में भी तो कितनी प्रॉब्लम्स थी ना। हाँ, जिंदगी मुकाबलेबाजी से नहीं चलती है, बहुत संभल कर फैसले करने पड़ते हैं हमें। तो कर लेना, किसने मना किया आपको फैसला करने से? आप खुद ही इतनी देर कर रही है फैसला करने में। और मैं अपना फैसला तो सबको सुना ही चुकी हूँ। आकिब के बिना मैं रह नहीं सकती और उसे छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा प्लीज एक भाभी प्लीज, अगर आप मेरे कुछ कर नहीं सकती ना तो मेरे मामला में दखल देने की जरूरत भी नहीं है। मेरा और सुनाइए कैसे मिजाज? जी जी बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ बिल्कुल। आपने तकल्लुफ किया, बैग सीधे सीधे घर आ जाते, वहां पर बैठ के हम आराम से चाय शाय पीते। जी जी वो भी जल्दी आएंगे, आपसे एक बात करने की जरूरत है। जी जी कहिए। जी हमें आपकी बेटी माही अपने भांजे जावियार के लिए पसंद आ गई। बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। अरे अभी तो और भी बहुत खबरें मिलेंगी खुशी की, आगे आगे देखिए इंशाल्लाह। भाई आप जैसे शरीफ और खानदानी लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी हो रही। यकीन करें जिसको भी मैंने आपके बारे में बताया उसने आपकी शराफत की दलीलें दी। नूर आलम भाई इज्जत देने वाली तो अल्लाह की जात, वरना हम जैसे गुनाहगार इंसानों की क्या हैसियत? मिट्टी से बने इंसान की वैसे ही क्या औकात। जी जी अब बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बस अल्लाह ताला आगे भी अच्छा करे और हमारे बच्चों को हर किस्म की खुशियों से मालामाल कर। आमीन आमीन। अहमद साहब आपसे एक गुजारिश करूंगी अगर आप बुरा ना माने। मुरानम भाई कैसी बात कर रहे हैं, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है, आप हुक्म कीजिए। जी शुक्रिया अहमद साहब, दरअसल मुझे इतनी जल्दबाजी में आपसे ये बात करनी नहीं थी, लेकिन क्या करूं एक मजबूरी आड़े आ गई। किसी मजबूरी नूर आलम भाई आप खुलकर बात करें। वो अहमद साहब बात दरअसल ये है कि वालेकुम अस्सलाम, कहां से आ रहे हो भाई तुम दोनों? क्या क्या शाइस्ता खिला हुआ नहीं क्या हुआ है? मैं इनको यतीम खाने लेकर गई थी, मैंने सोचा वहां से कोई बच्चा ले आते हैं, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। मेरा क्या कसूर है? अगर अल्लाह ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा है तो मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी तो दिल चाहता है मेरे घर में कोई बच्चा जो मुझे माँ कहकर बुलाए, मेरे दिल को भी सुकून हो कि मैं माँ हूँ। लेकिन इन्होंने मना कर दिया और इतना बेइज्जत किया मुझे माँ पे। बस अगर अभी वो राजी नहीं है तो छोड़ दो ना इस बात को, हो सकता है वक्त के साथ खुद ही उसकी समझ में भी आ जाए तुम्हारी बात। चलो बस रोना नहीं है, अल्लाह पे भी छोड़ने की होती है ना, अल्लाह ने भी कोई वक्त मुकर्रर किया होगा इस काम का। सबर करो मेरे बच्चे, सबर करो।
क्या कह रहे हैं आप अहमद साहब, एक हफ्ते में निकाह कैसे हो सकता है ये? अरे भाई वो यही चाहते। तो आप सुन के आ गए उनके पास? मोहलत मांगी है उनसे जवाब देने के लिए। नहीं नहीं, मशवरा करने की तो जरूरत है ही नहीं भाई, ये शादी तो नहीं हो सकती। आप इनकार कर दें इस रिश्ते से, हमें नहीं करनी शादी वादी वहां पे। देखो जल्दबाजी में किए हुए फैसले जो होते हैं ना, वो हमेशा नुकसानदेह होते हैं। अरे आप भी तो सोचे ना कुछ अहमद साहब, ऐसा होता है कहीं भला? है औड़ी में होती है क्या शादियां? अरे क्यों नहीं होता, आखिर अदील की भी तो शादी इसी तरह की थी। अरे आओ बेटा, आओ हमारे पास आके बैठो। मैं बाद में आ जाती मामू जान। नहीं बेटा, तुम भी इस घर का फर्द और इस डिस्कशन में तुम्हारा शामिल होना भी जरूरी है। आओ शाबाश बैठो हमारे पास। अब तुम खुद बताओ जारा, ये कोई बात हुई भला? इतनी जल्दी कैसे हो सकती है शादी? तो अपना फैसला हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाली बात हो गई ना। तो फरीजा तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमारी ना करने से बात क्या बनी रहेगी? अरे भी अच्छा खासा रिश्ता आया हुआ है, वो अगर हाथ से निकल गया तो फिर क्या करेंगी आप? मेरी बेटी में कोई ऐब नहीं है, हजारों रिश्ते मिल जाएंगे मेरी बच्ची के लिए। ठीक है हजार मिल जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने भी ऐसी शरायत रखी तो फिर? आपको तो बस बहाना चाहिए मेरी हर बात से उलट बात करने का। जारा बेटा तुम बताओ मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अरे मैं भी नहीं चाहता कि सब मामलात जो हैं इतनी जल्दी में हो, लेकिन अगले की मजबूरी भी तो देखनी चाहिए ना। मामू जान आप और नुमानी जान माही के लिए जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर ही होगा। फरीदा बात को समझने की कोशिश। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं अहमद साहब, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? आदिल को गए हुए अभी अरसा कितना हुआ है, उन लोगों को क्यों नहीं समझ आती ये बात? उनकी मजबूरी है बस। तो बिना हमारी भी मजबूरी है। ठीक है मना कर देता हूँ उन्हें, उन्हें कहता हूँ कि तारीख अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से इनकार। मामू जान प्लीज आप इस रिश्ते से इनकार मत करें, वो जैसा कह रहे हैं आप करते हैं। सारा बेटा कैसे बातें कर रही हो तुम? मानी जान माहे को बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन हीरा हजारों में एक ही होता है। वो लोग कितने अच्छे हैं, खानदान अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हमें इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरी वजह से आप दोनों परेशान मत हो, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। और मुझे पूरा यकीन है अगर मेरी जगह अदील होते तो अदील भी यही फैसला करते, वो भी माही की खुशी चाहते हैं। इसलिए प्लीज आप इस रिश्ते से इनकार मत करें। मामू जान आप उन्हें कॉल करें और हाँ कर दें और निकाह की तैयारियां शुरू करें। ठीक है बेटा, जीती रहो बेटा। तुम तो मुझे जाते ही भूल गई, मैं तो तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। कहते हैं कि इंतजार करने से इंसान की कदर होती। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बेकदरी की है? मैं क्यों ऐसा सोचूंगी? तो फिर कॉल क्यों नहीं की? अली मैं बिजी हो गई थी। बिजी थी? कहां बिजी थी पूछ सकता हूँ? मैं क्यों बताऊँ आपको? अच्छा क्यों बताऊँ, चलो ठीक है अब मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है अली, अली हेलो। देखा कैसे परेशान हो गई, दो सेकंड लगे। ये क्या बचपन है अली, और जो तुम कर रही हो वो क्या? तो आप मुझसे बदला लेंगे? अगर तुम मेरे अलावा किसी और को वक्त होगी तो जरूर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं घर आके अम्मी के कामों में मसरूफ हो गई थी।
साद भाई की नई जॉब लगी है ना, तो अम्मी ने खाना बनवाया था, कह रही थी मस्जिद में बंटवा देना, बस उसी सब में बिजी हो गई थी। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त न्यूज है यार, साथ से तो मैं भी ट्रीट लूंगा फिर। कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई को लूटने की। अरे तुम्हारा भाई है पर मेरा भी तो कुछ लगता है ना, ट्रीट तो मैं लेकर आऊंगा। अच्छा डॉली बात सुनो, मैं कल अम्मी अबू से बात करने लगा हूँ। किस बारे में? अरे हमारी शादी के बारे में। लेकिन अली, सब आपसे ही जल्दबाजी की वजह पूछेंगे, फिर आप क्या कहेंगे? अरे वो तो मुझ पे छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। ओके, अनाफिस। क्या सोच रही हो? फरीदा, क्या सोच रही हो? अंदील के बहुत याद आ रही है आप। अगर वो आज होता तो कितना खुश होता ना। हम्म, चुप क्यों हो गए? आपको याद नहीं आती क्या उसकी? औलाद को याद करने का हक सिर्फ माओं का तो नहीं होता। अदील का बाप थे, बहुत याद आता, शिद्दत से याद आता। फिर आप उसकी बातें क्यों नहीं करते मुझसे? सोचता हूं कि अगर मैं उसकी याद तुम्हें दिलाता रहूंगा तो तुम कभी उसे भूल नहीं पाओ। औलाद को कौन बुला सकता है बुलाओ, वो तो हर वक्त याद आता रहता है मुझे। आपको पता है वक्त अपना, मैं जब भी कभी जारा को देखती हूं ना तो मुझे अदील नजर आता है। मैं आपको एक बात बता देती हूं, अब ना मैं कभी भी जारा को जाने नहीं दूंगी यहां से, हमेशा अपने पास रखूंगी अपनी आंखों के सामने। हाँ, काश तुम ये पहले सोच। सही कह रहे हैं, मेरे कल पर पत्थर पड़ गए थे ना, मैं जारा की अच्छाइयों को पहचान ही नहीं सकी कभी। पता है आज जब उसने माही के बारे में बात की ना, मैं तो हैरान ही रह गई। उसने माही की खातिर अपने गम पर माही की खुशी को फौकीर दी। समझ रहे ना मैं क्या कह रही? समझ भी रहा हूं और
देख भी रहा हूं कि तुम आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हो। मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि जारा का दिल बिल्कुल साफ है, उसके दिल में किसी के लिए जर्रा बराबर भी मैल नहीं। मैंने समझने में देर कर दी। काश मैंने दिल की जिंदगी में जारा को दिल से अपनी बहू कबूल कर लिया होता तो मेरा बेटा दुनिया से खुश खुश जाता ना। अब वो मुझसे खफा होके गया है ना अहमद, है ना? मुझसे खफा होके गया मेरा बेटा। जानते हो ना अदील, तुमसे कभी भी ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता, जानती हो ना? तुम अल्लाह की रजा से वो जहां पर भी है तुम्हें देख रहा होगा और खुश हो रहा होगा। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.